स्वागत है दोस्तों आपका इस पार्ट ऑफ द वीडियो में। और अभी मैं बैठा हूँ अपने होटल के रूम में। होटल का नाम है फॉर्च्यून पार्क हरिद्वार और ये एक बहुत ही अच्छा होटल है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में दिखा भी दिया था। और अब हम जाएंगे आज शाम को, शाम हो गई है यहाँ पर, तो कुछ खाने पीने जो मेन एरिया हरिद्वार का वहाँ पर, और गंगा जी की आरती भी देखने का हम सोच रहे हैं। उसके अलावा कुछ कैफे भी हम ट्राई करने का सोच रहे हैं। स्ट्रीट फूड पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। एक चीज़ और, होटल मैंने आपको जिम नहीं दिखाया तो मैं आपको जिम दिखा देता हूँ। और यहाँ पर होटल में आप अपने ड्राइवर्स को भी रुकवा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ मेक माई ट्रिप में थोड़ा चक्कर हो गया था कि हमने रूम बुक कराया, हमारे जो ड्राइवर साहब थे एक जगह, और वहाँ कुछ दिक्कत आ गई। उन्होंने कह दिया कि हमारा होटल तो सोल्ड आउट है। तो कई बार ये दिक्कतें आ भी सकती हैं, आपके साथ भी हो सकती हैं ऐसी दिक्कतें, मेक माई ट्रिप से भी हो सकती हैं। बट इस होटल के अंदर एक अच्छी बात यह है कि आप रुकवा सकते हैं और सिर्फ बहुत मिनिमल चार्जेस है, 412 रुपीज़, तो कोई ऐसा बुरा भी नहीं है। एसी भी है। तो ये मैं बताना आपको इसलिए चाह रहा था कि कई बार अपन कहीं जाते हैं तो दिक्कतें आ सकती हैं, तो अच्छे होटल्स का ये भी एक एडवांटेज होता है कि आप जो दिक्कतें आती हैं वो काउंटर भी हो जाती हैं। तो अब हम जा रहे हैं घूमने फिरने। फिलहाल मैं एक चीज़ दिखाना आपको भूल गया था पिछले पार्ट ऑफ द वीडियो में, एक्चुअली भूला नहीं था, मैंने कहा था नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में दिखाऊंगा, वो था जिम। तो मैं जिम का आपको एक शॉट अटैच कर देता हूँ। और ये है इनका जिम, तो मैं आप लोग को जिम भी दिखाता हूँ। तो जिम में है आपकी दो तो ट्रेडमिल, एक साइकिल, एक बैक की मशीन, कुछ डंबल्स के सेट, और अंदर की तरफ आप यहाँ पर अपना योगा कर सकते हैं, मैट्स रखे हुए हैं। तो ये था जिम। और गाइस हम लोग गंगा जी की आरती अटेंड करने आ गए हैं, तो यहाँ से आप व्यू देखिए। और बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर है, गंगा जी की आरती होने वाली है। यहाँ आप आते हैं ऐसे, ये पुल पे चढ़ कर आते हैं, वहाँ लोग वहाँ पर भी नहा रहे हैं, हम लोग थोड़ा भी आगे जाएंगे। और यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, और बैंक्स पे देखिए कितने सारे होटल्स भी हैं, वहाँ लोग नहा रहे हैं नीचे। और बड़े अच्छे अच्छे पुल बने हुए हैं, जैसे कि मैं आपको एक ये दिखाता हूँ। बोलो, एक्सट्रीम भीड़ है। और गाइस हम लोग यहाँ आ गए हैं वैष्णो पंजाबी ढाबा पे स्ट्रीट फूड खाने के लिए। और यहाँ मिल रहा है ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड, ऑसम। और गाइस हम स्ट्रीट फूड यहाँ खा रहे हैं, खाने के बाद हम होटल जाके सो जाएंगे। तो फिर कल जो रहेगा दिन में वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। आज के लिए, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें।